अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? वेलकम टू कुछ अच्छा करते हैं। आज उमर और आसिफ आपके साथ हैं। वालेकुम सलाम आसिफ, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम बड़े मज़े का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी यूथ के लिए। स्पेशली हमने आज टॉपिक डिसाइड किया है जॉब्स का, ठीक है। जॉब्स में हमने अब आपको बताने जाएंगे जी आपको गवर्नमेंट जॉब्स करनी चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, या फिर आपको बिजनेस जो है ना वो इनिशिएट करना चाहिए। चले जी साथ वॉक भी करते हैं आसिफ, और साथ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके ऊपर। अच्छा उमर, जॉब जो सा टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक हमने चूज़ किया है, क्योंकि इसकी बहुत सी रीजंस हैं, ठीक है। अब जब भी हम हर बच्चे का गोल यही होता है कि पढ़ लिख के उसके जॉब चाहिए, क्योंकि उसने जाहिर है कुछ अपने पेरेंट्स को भी देना है, ठीक है, अपने बहन भाइयों को भी डिलीवर करना है, ये सब चीज़ें मतलब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाता है या यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज, उसके माइंड में यही होता है मैंने पढ़ लिख के जॉब करनी है या कुछ अच्छा अपनी फैमिली के लिए करना है। तो आसिफ, ये जॉब्स की तरफ ही बच्चों का माइंड क्यों जाता है, मतलब ये बिजनेस की तरफ क्यों नहीं माइंड जाता है, तो बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए? देखिए, जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ यही आती है नौकरी की, उन्होंने नौकरी करनी है, जॉब करनी है, क्योंकि उनका कोई पीछे बैकग्राउंड उनका कोई ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना, ठीक है। पैसे तभी आते हैं जब आप कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, 4 से 5 साल आप जॉब करें, उसके बाद जाहिर इंसान जब प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखता है, एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में तभी तो हम कहते हैं गवर्नमेंट वाले बेचारे वेले ही बैठे होते हैं, पर प्राइवेट वाले जैसे कहते हैं वो रगड़ा खा रहे होते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता ना, उनको इतनी टेंशन नहीं होती। तो प्राइवेट जॉब में ये होता है हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस होता है, बिल्कुल है, सही है। और मेरे ख्याल से प्राइवेट जॉब में इंसान सीखता भी बहुत कुछ है, जो तो सीखने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने ग्रो करना है तो प्राइवेट जॉब, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस करने से पहले आप आरएनडी करें, सोचें कि आप मुझे बिज़नेस करना है इसमें मेरे, जैसे मैं अब आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं फ्यूचर में कोई आईटी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो आजकल हमारी यूथ में आपने भी ऐसे वर्ड सुना होगा जो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड बहुत ज़्यादा आ गया है, कि हर बच्चा जो कि बेशक इवन मैट्रिक पास ही क्यों ना हो, या उसने बैचलर्स की डिग्री ली हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या मार्केटिंग में या बीबीए में, वो कहता है जी मैंने जॉब नहीं करती है, अब मैंने पहली प्रायोरिटी उसकी होती है जब बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना है, बिज़नेस मैंने रन करना है। अगर आप उम्र इसमें इस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा, जाहिर है अब अगर आप एकदम पढ़ाई के बाद, स्टडी करने के बाद आप जॉब बिज़नेस करते हो ना, तो उसमें आपको 80% चांसेस हैं आपको लॉस है, ठीक है, सही है। क्योंकि हमें कोई चीज़ों की समझ बूझ नहीं होती, ठीक है, हमारे पास पैसे तो होते हैं, हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें जो बिज़नेस रूल्स हैं वो हमें पता नहीं होते, ठीक है। अच्छा, बेहतर इसमें एक चीज़ ऐसे भी है कि एक तो चूंकि आजकल आपको पता है इंक्यूबेशन सेंटर भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है, और आजकल के जो आप कह लो जी मेंटोर्स कह लो या जो ट्रेनर्स कह लो, जिनमें से मैं भी एक छोटा सा मेंटोर ट्रेनर हूँ, तो हम लोग भी बच्चों को यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है ना जॉब के निस्बत एज इन कोई बिज़नेस इनिशिएट कर लो, और बिज़नेस भी वो वाला जिसमें आपको जैसे कहते हैं ना कैपिटल इतना इन्वेस्ट ना करना पड़े। मतलब एक तो ज़माना था ना कि हमारे पेरेंट्स का टाइम था जी कि बिज़नेस शुरू करना है तो आपके पास कम से कम 1-2 करोड़ होना चाहिए, इवन अभी भी अगर कोई बड़ा लार्ज स्केल पर अगर आपने बिज़नेस स्टार्टअप करना है तो आपको 1-2 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन अगेन देखें, आसिफ ने बात ठीक की है, जॉब करने का मकसद ये है कि जैसे हम कहते हैं ना हम आरएनडी कर लें, जॉब एक आपको प्रैक्टिकल फेज है कि जो चीज़ आपने की है ना आप उसे प्रैक्टिकली पहले जाके सीखो उसको। देखो अगर बिजनेस शुरू करते हो, हम ये नहीं कह रहे बिजनेस शुरू मत करो, बहुत से बच्चों में कैपेबिलिटी होती है बिजनेस शुरू करने की, ठीक है, और फिर जब हमारे बच्चे एग्जांपल देते हैं कि सर देखें मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना दी, ठीक है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, बिल गेट्स साहब ने ये कर दिए, मेजोरिटी एग्जाम्पल्स हमें दी जाती हैं कि ये देखें कॉलेज ड्रॉप आउट था उन्होंने ये चीज़ें बना दी, देखें वो होती है वंस इन अ ब्लू मून वाली बात, ठीक है। अल्लाह ताला ने टैलेंट हर बच्चे को नवाजा है, लेकिन जॉब करने का मतलब ये होता है आप प्रैक्टिकली फेज से गुजर जाओ, आपको भी आइडिया हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और क्या आप वाकई फिजिबल हो उस चीज़ को अडाप्ट करने में। हाँ, वंस यू आर सक्सेसफुल देन आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो जाहिर है बिज़नेस जॉब के, अगर जॉब के साथ कंपेरिजन करें बिज़नेस का, तो डेफिनेटली बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि बिज़नेस शुरू करने से पहले वो चीज़ें आप स्टडी कर लें जो बिज़नेस को मतलब आगे बढ़ाती है। और असल मेरा एक मानना है कि बेशक आप देखें जॉब करें या आप बिजनेस करें, इवन यू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, इवन यू गो फॉर प्राइवेट जॉब, और अगर आप कोई स्टार्टअप रन करना चाहते हो, आजकल स्टार्टअप का बहुत ट्रेंड आ गया है, हर बच्चा कहता है जी मैंने एक स्टार्टअप इनिशिएट करना है, तो वो आजकल हालात ये हो गए हैं कि जी एक ज़माना था जैसे कहते हैं ना
लोग रेडियां लगा लेते थे, दुकानें किराए पे ले लेते थे, अब वही चीज को वो वेब पे ले आए हैं। और अगेन, काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है, लेकिन आप जॉब के लिए जाओ या बिजनेस के लिए जाओ, मेरे लिए चीज मैटर करती है आपकी लॉयल्टी खुद के साथ। हम लोग अपनी जॉब्स के साथ अपने ऑफिस में लॉयल हैं, तो हम लोग यहाँ पे इतना टाइम तक रिटेन हो चुके हैं, हम दोनों का 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, और हम लोग इस चीज़ के अंदर हैं कि हमने जो अपना काम करना है उसको, जैसे कहते हैं, दी बेस्ट लेवल पे लेके जाना है, परफेक्शन लेके आते हैं। मेरी सोच ये है कि अगर आपने कुछ करना है ना, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, अगर आपने कुछ करना है तो वो आपने खुद ही कुछ करना है, ठीक है, और एकदम से आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो भी अब जिसने फेसबुक बनाई है उसने कौन सा एक दिन में बना लिया है, इसके पीछे उसकी एफर्ट्स हैं, वो टेस्टिंग करते रहते हैं, उन्होंने अपनी पहले वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह लीजिए वहाँ पे उनको कुछ बच्चों के लिए उन्होंने वो स्टार्ट की, बिल्कुल। और सबसे बड़ी इसमें क्वालिटी ये है कि वो टीम लीडर है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो पहले उसके लिए आपको चीज़ें पता हों, आपने पढ़ाई अच्छी की हो, ठीक है, आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की हो, क्योंकि जॉब करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सीखता है। एक और मुझे टॉपिक याद आ गया आजकल, मतलब माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो है ना उनका ये भी पॉइंट है जी के, और मैंने काफ़ी स्पीकर्स को मैंने सुना भी है ये कहते हुए जी के, ठीक है एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो वो कहते हैं जी कि डिग्री मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। नहीं नहीं, ठीक है, तो काफ़ी स्पीकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, काफ़ी मतलब बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं जी डिग्री मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम हमेशा कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए या समझने के लिए पहले डिग्री भी तो एक रिक्वायर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई कंसल्टेंसी फर्म खोलनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़रूरी है, एक्सपीरियंस अगर आपने डिग्री भी ली होगी उसके अंदर, तो वो आपका क्या प्रूफ बन जाता है कि आपको थ्योरेटिकल भी पता है और एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है। तो आसिफ, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि या गलत है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है तो डिग्री मैटर नहीं करती? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें मैटर करती हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हमें डिग्री मिलती है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास डिग्री है एक्सपीरियंस नहीं है, जाहिर है जिसके पास डिग्री होगी जाहिर है उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा इन फ्यूचर, सिर्फ आप एक्सपीरियंस ले लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं, कि हमारे मुल्क में कानून है, ठीक है, सपोज एक MBBS डॉक्टर है, बिल्कुल, उसके पास एक्सपीरियंस है, कमाल है, या उसको मतलब एक लोग उसके पास जाते हैं, उसकी दवाई से आराम भी आ जाता है। अब अगर उसके पास डिग्री नहीं है MBBS की, तो हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी? कभी भी नहीं करेगी। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिए हैं। तो बेसिकली वो लोग जो स्पीकर्स या भाई बहन हमारे कहते हैं जी कि डिग्री मैटर नहीं करती, देखिए अल्टीमेटली हम यूथ को जैसे कहते हैं ना डीमोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे हमारे ऑलरेडी उनका फोकस नहीं है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, और जब आप ये कहते हैं जो डिग्रियाँ तो मैटर ही नहीं करती, सब एक्सपीरियंस मैटर करता है। देखें डिग्री का फ़ायदा क्या है, एक्सपीरियंस आ गया, आप एक अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, इज्जत जो है ना, एक मकाम, एक लेवल, एक प्रूफ बनाने के लिए आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इल्म हासिल करो, बेशक उसके लिए तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े, और वो माँ की गोद से लेके कब्र की लहत तक शायद इतना इल्म हासिल करो। तो जो कहते हैं जी कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, उनके लिए हदीस पाक है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया, उससे पढ़ के मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन, कोई प्रूफ मैं नहीं इसके ऊपर दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही उमर, हम जब हमें कोई मतलब हमें कोई भी इशू होता है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल से हम अच्छा डॉक्टर प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिससे हम देखते हैं कि इसके बोर्ड के बाहर लिखा हुआ MBBS, ठीक है, PRF लिखा हुआ, बेशक उसको कुछ पता भी ना हो, हमें ये तसल्ली हो जाती है कि यार ये MBBS डॉक्टर है, ठीक है। इसकी इसके बरक्स अगर हम किसी ऐसे मतलब एक्सपीरियंस बंदे के पास चले, एक्सपीरियंस बंदा जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, हम उसके पास तो हम कभी भी नहीं जाएंगे, हम लोग हकीमों के पास क्यों नहीं जाते, बिल्कुल हम प्रेफर ही नहीं करते, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहना गलत है जी कि डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री एंड एक्सपीरियंस इक्वली मैटर, क्योंकि अगर आपकी ये सोच है ना कि सिर्फ आपने एक्सपीरियंस लेके पैसे कमाने हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए पहले, उसके बाद प्रॉपर आप मार्केट में जाएं, आप अपना बिजनेस करें, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उमर, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े आजकल मायूस हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब नहीं मिलती, या कोई भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो दो दो साल तक फ्री बैठे होते हैं और बाहर भी जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, इसकी क्या रीज़न है? यहाँ सर मेरे पास ना, मैंने इस पर भी रिसेंटली वीडियो बनाई भी थी, मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप पे भी अब काफ़ी जैसे कहते हैं ना मैसेज आना शुरू होते हैं कि उमर भाई
जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी फीमेल्स के भी मैसेजेस आते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही, जॉब किस तरह मिले। जब मैं उनसे कहता हूँ ना मुझे अपनी मेरे से अपनी CVs वगैरह शेयर करें, देखो जॉब ना मिलने की वजूहत बेशुमार हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो CV है ना, जैसे करिकुलम वीटा है या जो आपका रिज्यूमे है, वो चीज़ है आपको एंट्री उसने लेके देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप कंपनी में अपना CV फेंकते हैं या CV ड्रॉप करते हैं या ईमेल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमेल एड्रेस कितना क्या बने होते हैं, papakipari@gmail.com, sonamunda@gmail.com या sonamunda@yahoo.com, मेजोरिटी नहीं आई। एग्जैक्टली, ये प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, क्योंकि CV इतनी लंबी लंबी बनी होती हैं। मैं भी जब दे यूनिवर्सिटी में था तो शायद मैंने भी 8 सफ़ों की CV बनाई हुई थी, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले हुए थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली आना शुरू हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो समझ आया नहीं यार कर्टेल करो, 2 सफ़ों की बना दो, मेन चीज़ें एक्सप्लेन करो, प्रोजेक्ट्स लिखो अगर हैं, अगर इंटर्नशिप्स की हैं वो करो, और अगर आपका जॉब का एक्सपीरियंस आ गया तो फिर बिलीव मी नो वन गिव्स अ डैम अबाउट योर प्रोजेक्ट जो आपने यूनिवर्सिटी में किए होते हैं, ठीक है। फिर मैटर करता है जो आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, अचीवमेंट्स क्या लिखी हैं, ठीक है। नाम के साथ एक आइडेंटिटी बनाओ, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, तो मेरी प्रोफेशनल ब्रांडिंग है डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। आई एम MBA मार्केटिंग, ये मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है, अपनी ब्रांडिंग पे काम करें। आसिफ IT में काम करते हैं, IT स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ठीक है, नेटवर्क, एग्जैक्ट, इन्फोटेक प्रोफेशनल है, इनकी जैसे कहते हैं पर्सनल प्रोफेशनल ब्रांडिंग है, ठीक है। तो एक आपकी CV बहुत मैटर करती है, फिर अक्सर मोबाइल नंबर जो दिए होते हैं उस पर, या वो नंबर जैसे होते हैं जिस पर कॉल नहीं आती, या मोबाइल नंबर गलत होते हैं, ईमेल एड्रेसेस नॉन प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। उमर, इसमें पता है दो चीज़ें आ जाती हैं, जब कोई बंदा या कोई अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, उसके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता जिसने इंटरव्यू करना है वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा क्या चाहता है, इसको क्या आता है, ठीक है। अब बहुत से लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं उसमें दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ सपोज BCS किया हुआ है, आप सिर्फ उसमें 2 पॉइंट चीज़ें लिखो जो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, बिल्कुल, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, फ्यूचर में मिल जाएगा, कंपनियों में जॉब ऑफर हो जाती है, एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपने अपनी CV में लिखना है वो बिल्कुल सही लिखो, ठीक है। सर, जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ ना MBA करके बैक इन 2014, तो अब उससे पहले मेरा विजन क्या था जी, मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कहा था यार ऑब्वियसली मार्केट में जब जाएंगे तो फॉरन कोई 6 digit सैलरी तो हमें मिलेगी नहीं, जो हमें टीचर्स कहते हैं ना 6 digit सैलरी मिल जाती है, ऐसा नहीं होता जी, एक्सेप्शनल बच्चों को भी ना 1 lakh सैलरी नहीं मिलती, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का दिल दुखे या आप डीमोटिवेट हों, लेकिन सच बताना बहुत ज़रूरी है। आई एम MBA मार्केटिंग ग्रेजुएट, आई हैव 4.0 GPA, मेरी स्कॉलरशिप थी, बट स्टिल आई डिडंट लैंड अप विद अ 1 6-digit सैलरी, ठीक है। मैंने भी ऐसे 5 digit सैलरी से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा विजन था क्लियर। मैंने अपने BBA और अपने MBA में टोटल आज से 5 internships मैंने कर ली थी, और अराउंड वो 1 साल के करीब मैंने एक्सपीरियंस अपना बना लिया था, ठीक है वो एक इंटर्नशिप थी, उसे कंसिडर नहीं किया था, बट एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू डिस्प्ले, ठीक है, मैं उसे डिस्प्ले कर सकता था। एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था, मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, मेरे रिजल्ट अच्छे थे, प्रोफेशनल मैंने उसको इंटर्नशिप्स के साथ ले गया, साथ में मैंने प्रोजेक्ट वगैरह डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी कि किसी का 4x4 आ गया तो वो इतना मैटर नहीं करता, कंपनीज कहती हैं जी कि ये तो अच्छा रिसोर्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, देखो आई ऑलवेज से अगर आपका 4x4 है यार रिजल्ट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को ये प्रूफ मिलता है कि आपने अगर आप एजुकेशनल अपनी लाइफ में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो, आउटपुट अच्छा लेके आए, तो उनका प्रोफेशनल आउटपुट भी बेसिस हो गया, वो आपके रिजल्ट्स हैं बेसिकली, वो आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हो, प्रैक्टिकली भी अच्छे हो, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अगर आपने इंटर्नशिप्स किए तो उनको नजर आता है जी आपने एक क्यूरियोसिटी है कुछ ना कुछ सीखने की, मैंने पेड इंटर्नशिप भी की है, मैंने फ्री इंटर्नशिप भी की है, अपना पेट्रोल लगा के उसमें जाता था सीखने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने सोचा हुआ था, ये डोमेन बन रही थी, मेरे टीचर ने भी मुझे बताया कि इस डोमेन में चले जाओ, मैंने दो बैंक्स मैंने अच्छी खासी इंटर्नशिप भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तब आपकी सोच ये थी कि मैंने कुछ सीखना है, ठीक है, तब आपके माइंड में ये नहीं था कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि तब आपको अंदाजा था कि अभी मैं डिजर्व भी नहीं करता। और आसिफ, टीचर्स को भी बस मैं कहूँगा, ठीक है, आप बच्चों को बताते हैं क्या, देखिए आप भी यूनिवर्सिटी में होंगे, मैं भी अब यूनिवर्सिटी होंगे, हमें बताया गया होगा जी कि 75,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी या 1 lakh स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। एक फ्रेश ग्रेड की ऑनेस्टली जो मार्केट वैल्यू है ना, अभी भी मैं आजकल देख रहा हूँ तो बच्चों को जो स्टार्टिंग सैलरी यार सिर्फ 10 से 15 हज़ार, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन एक MBA ग्रेड या एक मास्टर्स का बच्चा 10 से 15 हज़ार, बिल्कुल ऐसे, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा एक मजदूर की सैलरी है, एक अगर हम लेबर को उठा लें 21,000 उनकी बनती है महीने की सैलरी, तो एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसकी 10 से 15 हज़ार सैलरी है जस्टिफाई बनी है, लेकिन
आप अच्छी सैलरी ले सकते हो अगर आपने सीवी को और उससे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कि अपने आप को वो जो प्रेजेंट करें ना वहाँ पे जाकर वो उनको मेक श्योर करवाओ कि यू आर द बेस्ट रिसोर्स दे आर लुकिंग फॉर। ये काफ़ी चीज़ें हैं अपना सीवी, सीवी के लिए मैंने वीडियो पूरी बनाई है कि सीवी कैसे बनाते हैं, मैं आई बटन में डाल दूँगा वो देख लीजिएगा। और आपको जॉब पोर्टल से जॉब्स की कॉल क्यों नहीं आती, इंटरव्यू क्यों नहीं आती, वो भी मैं आपसे वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उम्र जिनका सी जी पी अच्छा होता है लेकिन उनमें एक जिसे कहते हैं ना शाइनेस भी है और नॉलेज भी इतना एग्जैक्ट नहीं उनको पता होता है यार, नॉलेज नहीं होता, थोड़ा सा एटीट्यूड भी गरूर भी आ जाता है ना बहुत से लोगों में, ये चीज़ गलत है। अब बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हमारा सी जी पी अच्छा है, आपके केस में नहीं क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ ठीक है। अब बहुत से ऐसे केसेस भी मेरे सामने हैं जिनमें बहुत से लोगों का सी जी पी अच्छा होता है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही होती, अब वो ये सोचते हैं जो आजिज़ी है ना डाउन टू अर्थ होना। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं जो दरख्त झुकता है ना उसी को फल लगता है, जो सीधा दरख्त है ना उसको कभी भी फल नहीं लगता, झुके भी चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही। अब बहुत से लोगों में गरूर आ जाता है, वो समझते हैं कि हमें घर बैठे जॉब मिल जाएगी, हमारा चीज़ जी पी अच्छा है, हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, आपको जाहिर है खुद जाना पड़ेगा, आपको एक दफ़ा मार खानी पड़ेगी ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना उम्र इन्होंने मेहनत की है ठीक है, अगर वो किसी मुकाम पे बैठे हैं ना तो उसके पीछे कोई स्टोरी है बिहाइंड, लेकिन वो दूसरों को नहीं बच्चों को नहीं पता होती, बिल्कुल तो वो स्ट्रगल होती है ना, स्ट्रगल होती है। आपने मैंने हमें स्टार्ट किया, अगर हम इस लेवल पे हैं कि हम एक वीडियो वगैरह बना रहे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमने इसके लिए 5 साल जैसे कहते हैं रगड़ा खाया, बिल्कुल यार हमें रगड़ा खाने के बाद हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, वो समझते हैं कि सारी पढ़ाई भी मैटर करती है, आप अच्छा पढ़ें उसके बाद जॉब सर्च करें ठीक है, अगर आपको कम पैसों में भी मिलती है ना तो आप कर लें, इनिशिएट कर लें, स्टार्ट करें, शुरू कर लें, ऐसा ऐसा बिल्ड होता जाएगा आपका बिल्कुल, जब अपना आपका दूसरों को पता चलेगा ऐसा ऐसा कि इसमें इस बच्चे में कुछ कैपेबिलिटीज हैं ये कुछ कर सकता है तो फिर कंपनी ज़रूर उसको आगे प्रमोट करती है। एक बात कहता हूँ, देखिए डिग्री जो भी ले रहे हैं ना प्लीज़ मेक श्योर कीजिए उस डिग्री के अंदर जो सीखा है वो पता भी हो आपको। आजकल बच्चों के पास डिग्री है उनको ये नहीं पता डिग्री में पढ़ा क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में गया, मैंने उनसे पूछा जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया थोड़ा एसईओ का बताने लगे हैं वो, तो बच्चे को इतना पता जी एसईओ का मतलब है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा बच्चे उसमें प्रैक्टिकली क्या है, बस सिर्फ उनको पता था जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जी एसईओ, नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन नहीं पता, उर्दू में बता दो नहीं पता। तो देखें ऐसी डिग्री ऐसी सर्टिफिकेशन या ऐसी किसी चीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है, वो तब वर्थ इट है जब आपने जो सीखा है उसको आपको पता हो। तब इंटरव्यू हम पूछते हैं क्वेश्चन यार बच्चों से, यार बच्चों को चीज़ों को पता ही नहीं होता यार, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए ना उसके लिए मुझे खुद एफर्ट करनी पड़ेगी ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पास तो हो जाते हैं अल्टीमेटली भी बाद में टीचर्स को ब्लेम कर देते हैं, यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर देते हैं, कॉलेज को ब्लेम कर देते हैं। देखें बहुत से उम्र मैंने ऐसे कॉलेज भी देखे हैं ऐसे यूनिवर्सिटी भी देखे हैं जहाँ बच्चे पढ़ के उन्होंने मतलब अपना एक नाम बनाया है ठीक है, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि हमें इंडिविजुअली अपने आप को बेहतर करना है ठीक है। यूनिवर्सिटी तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है ठीक है, टीचर्स भी बुरे नहीं होते, बच्चे में खुद खामी होती है ठीक है। अगर हम अच्छा पढ़ते हैं या हमारा कोई अच्छा सी जी पी आ जाता है फॉर द टाइम बींग, बच्चे समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, ये हमसे बेहतर तो कोई कुछ नहीं है। मार्केट में उम्र कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है ठीक है, अगर मेरी क्लास में 70 बच्चे पास आउट हुए हैं ना तो ज़ाहिर है किसी और दूसरे बैच में भी हो, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर आप 50,000 का कोई रिसोर्स हायर कर रहे हो ठीक है, वहाँ पे आप 50,000 के 5 रिसोर्स हायर कर, अब ये देखो आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप कौन सा अमेरिका में बैठे हो ठीक है, आप अपने मुल्क की इकनॉमी देख सकते हो, मैशत देख सकते हो, आप जाहिर है सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों वो वाली डिग्री करो जिसको पहले देखो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसका कोई स्कोप भी है कि नहीं है ठीक है। आजकल कुछ इंजीनियरिंग आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इन हुई है, बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री बहुत इन हुई है क्योंकि आईटी का ज़माना चल रहा है, अब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत पीछे रहेगी। हाँ एक टाइम था इनकी बहुत वैल्यू थी उस टाइम, मतलब सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी, लेकिन अब वो अगेन क्या बात है पाकिस्तान में आईटी का सेक्टर, अब आपकी एक अच्छी जैसे कहते हैं ना कि इनोवेशन किया है एक अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन या एक वेब इंटरफेस, अब वो आईटी का आ गया, मार्केटिंग से उसको जोड़ दी है, मार्केटिंग अब मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा मार्केटिंग की जैसे कहते हैं ना आपकी
हम हमेशा बोलते हैं जी कि अब आपको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है आपका। तो उमर, अगर हम जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी उनकी कुछ हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमने जॉब भी स्टार्ट भी की है, थोड़ी सैलरी से जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो अब हम अपनी इस वीडियो से क्या मैसेज दे सकते हैं, किसी की क्या हेल्प कर सकते हैं? देखो आसिफ, सबसे पहले तो मैंने, देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अगेन वो बात ठीक है, कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटी का नाम बहुत मैटर करता है, लेकिन अब मेरा मानना है यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा आपका रिजल्ट मैटर करता है। जो पहला स्टेप कहूँगा ना प्रोफेशनल लाइफ में आपने जॉब लेने के लिए, सबसे पहले आपका डिग्री जो है ना उसके ऊपर आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। अब देखें, किसी बच्चे ने 2.5 CGPA लिया हो यार, तो मैं उस 2.5 CGPA वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है जो मैं 60,000 सैलरी पर लग जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। मौजूदा हो जाएगा वो एक अलग बात है, रेफरेंस लेगा वो एक अलग बात है। अगर उसका एक अच्छा रिजल्ट होगा तो कंपनी को क्या इनिशिएटिव, क्या मैसेज आएगा कि बच्चा जो है ना यार वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि मेहनत करके रिजल्ट है ना, रिजल्ट आपका मेहनत प्रूफ आपका जैसे कहते हैं ना शो करता है। सबसे पहले अपने रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए, रिजल्ट अच्छे लेके आइए, मेहनत करना शुरू कीजिए, इंटर्नशिप्स करना शुरू कीजिए, CVs बहुत अच्छी बनाना शुरू कीजिए, ईमेल एड्रेसेस प्लीज़ खुदा रहा प्रोफेशनल इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल नंबर्स वो दीजिए जिस पे कॉल आप एक करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी डिग्री का स्कोप चेक कीजिए आने वाले 5 साल में स्कोप है कि नहीं है। और मैं तो उमर ये भी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको जॉब चाहिए ना तो आप अपनी CV लेके खुद जाओ, ठीक है, आप किसी को ईमेल ना करो, ठीक है। अगर आप ईमेल कर रहे हो ना, वो सी उसके पास CVs ऑलरेडी पड़ी होंगी, जो बंदा ईवी शायद आजकल के बच्चे इसलिए भी जाते हैं कि वो शायद शर्म फील करते हैं, जो कहते हैं कि मतलब हम कैसे जाएं, मतलब मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ वो नहीं जाया करते थे, तो मुझे समझ आती थी क्या शायद उनमें शाइनेस का एक एलिमेंट होता है यार। अगर शर्म ही सारी जिंदगी करते रहोगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मेजोरिटी जो बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी ये है। हाँ, लेकिन अब तो माशाल्लाह चूँकि टिकटॉक आ गया है तो शर्म तो ख़त्म हो गई है, वो तो एक्ट्रेस भी बन गए हैं, टिकटॉक में ख़त्म होती है शर्म, बाकी कामों में अभी भी वैसे ही है। देखिए, इनिशिएटिव लीजिए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, और जॉब गवर्नमेंट की या प्राइवेट या बिजनेस की तीनों कतन बुरी नहीं है, वो अगेन डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी किस लेवल पे है, आप क्या करना चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा ये मिलता है कि आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हो, बट यही चीज़ आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, प्राइवेट में ज़रा आपको ज़रा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिजनेस अगर आप इनिशिएट करते हो तो आप लोगों को रोज़गार दे सकते हो, आप काफ़ी फैमिलीज को सर्व कर सकते हो, तो अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो, बट पहले अपना फोकस बनाओ, अपना गोल बनाओ, अपना मिशन बनाओ, अपना विजन बनाओ, फिर मिशन बनाओ, टाइम वेस्ट ना करो। एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट ना करो, हमारे पास भी आज टाइम नहीं है, इसलिए हमने भी वीडियो छोटी बना रही है, फिर इसको एंड करने पे लाइन वगैरह बोलते हैं, मैसेज वगैरह एट द एंड। उमर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ करना है ना तो आप उसके लिए स्ट्रगल करें, ठीक है, जॉब कोई भी हो, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, आप करें ज़रूर, ठीक है, अप्लाई ज़रूर करें, और प्राइवेट जॉब भी अगर कम सैलरी में मिलती है तो ज़रूर अप्लाई करें, इससे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी आज का टॉपिक अगर आपको समझ आ गया होगा हमें बता दीजिएगा, आज हम लोग भी थोड़ा जैसे कहते हैं ना थके हुए हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा ऑफिस में काम शाम चल रहा है, आसिफ भी बिजी हैं, हम लोग भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आ जाए, हमने कहा नहीं चलो कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो थोड़े से हम आपको हमारी पिच जो है वो इतनी एनर्जेटिक नहीं नज़र आ रही होगी। ये देखें, आज हम इतने हम डाउन हुए हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ही नीचे गिर गया। एनीवेज, अच्छा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जिन जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम वीडियोस वगैरह बनाए हमें बताया करें, ताकि हम उस पर टॉपिक पे वीडियोस बनाया करेंगे, ठीक है। मकसद हमारा आपको हेल्प करना है, आपके लिए अच्छी चीज़ें अच्छा करना है, कुछ अच्छा क्रिएट करना है, ऐसा कंटेंट बनाना जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और आसिफ को दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।